नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम देश और दुनिया की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें देखेंगे। तो आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बड़ी खबर देखें तो हफ्ते भर में 95% बढ़े कोरोना केस। दिल्ली, यूपी, हरियाणा में सबसे ज़्यादा कोरोना मामले सामने आए हैं। चौथी लहर का खतरा अभी बढ़ गया है। योगी ने स्पीकर तेज बजाने वालों की रिपोर्ट मांगी। पुलिस ने 125 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाए। 70,000 जगहों पर आवाज़ हुई कम। उसके बाद की सबसे बड़ी खबर देखें तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के बीच प्रधानमंत्री ने जारी किया बड़ा आदेश। मुख्यमंत्री से कहा, पेट्रोल डीजल पर कर की वसूलत कम कीजिए। उसके बाद की सबसे बड़ी खबर देखें तो कंडला ड्रग्स कांड बना है। 70 कैंटर्स में रखे 10,000 बोरिया के जांच कर 1,439 करोड़ की हेरोइन पकड़े गए हैं। अमृतसर से आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। यूक्रेन से जंग के 62वें दिन रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरो ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे दी है। सरकारी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह जंग रूस और नाटो के बीच है। बिजली कमी के मामले में कोयले मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार दिन प्रतिदिन घंटे के आधार पर स्थिति की निगरानी कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे हिसाब से घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं है, देश में कोई भी बिजली कमी नहीं होने वाली है। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और माहिती आप तक पहुंच जाएंगी। आभार।